पंजाबी भरावो, मैं अपनी एक कविता अर्ज करना। धार्मिक कविता साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन संसार विच होया, उन्हां संबंधी अपनी श्रद्धा अर्ज करांगा। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो बलिदान किया है वो सारी मनुखता लई कुरबानी की है। उन्हां दी लड़ाई किसी फिरके जां धर्म विरुद्ध नहीं सी, वह तो समुची मनुखता लई मनुखता की सहायता करन लई आए। उन्हां दे दरबार विच भाई नंद लाल गोया परमख कवि और पीर बुद्धू शाह वर्गे गनी खां मनी खां वर्गे मुसलमाना ने भी भाग लिया। तो ये तो सिद्ध हुंदा है गुरु गोबिंद सिंह मजलूमां दा सी। तुम अर्ज करदा भांबड़ मचिया जुल्म दी अग भड़की तांबे वांग तप के धरती लाल हो गई। जोरावरां ने लुटना मारिया नू इक रस्म हो गई इक चाल हो गई। मंदर टट के मस्जिदां बन लगियां संध्या गात्री पूजा मुहाल हो गई। थल्ले जुल्म दी छुरी दे हिंदियां दी जिंद बकरे वांग हलाल हो गई। जंजू टुट गए मथ्यों तिलक लै गए सत रही न धर्म दे धुरे अंदर। लाटां वाली भी लेट गई लेफ लैके जाके किसे पहाड़ दे घुरे अंदर। तो शेर है बंद कली दे बिच खुशबू तड़फे तड़फे दिल दिल दी रमान तड़फे देख तड़फ दे फुल नू फुल तड़फे। बैठा बाग अंदर बागबान तड़फे थले जुल्म दी छुरी दे आई होई। पारे वांग गरीबां दी जान तड़फे उधर बंद म्यान दी कैद अंदर कलगी वाले दी पई कृपान तड़फे। तो नीले अंबरों पहन के नील वाणा नीले घोड़े ते हो असवार आया। चानन हो गया चान ने अख पट्टी पट्टे शहर दशमेश अवतार आया। तेग चमकदी सी उदी वांग बिजली हीरे मोतियां दी जड़त जड़ी होई सी। उदी कार कोई वखरी कार है सी घड़ियां भन के किसे ने घड़ी होई सी। लहू पी के रहांगी दुश्मना दा एनी गल दी अड़ी ते अड़ी होई सी। भई लखां वैरियां दा इको घुट कर गई खबरे केड़ियां जुगां दी सड़ी होई सी। थल्ले धार दे जुल्म दी धार बह गई चालां ओदियां किने सहारियां नहीं। जदों बिच मैदान दे आन लिशकी लिशकां सूरज भगवान ने मारियां नहीं। तो अर्ज करदा है दसम पिता ने पिता दी बलि दे के रुड़नो देश दा बेड़ा बचा लिया है। दसम पिता ने पिता दी बलि दे के रुड़नो देश दा बेड़ा बचा लिया है। पुत्र वारने दी भी तरतीब देखो दो दो दा जोड़ा बना लिया है। जोड़ा बिच चमकौर दे वारिया है जोड़ा नीहां दे विच चणवा लिया है। रोशन करन लई देश दे चार कोने अपना दीवा चमुखिया बुझा लिया है। शेर है कि वड्डे हो गए शहीद ते पिता दसवें इंज ख्याल करके कहा छोटियां दा टोटे करके न कंध नू इट लायो जिगरा बेखना जिगर दे टोटियां दा। टहिंदे देश दा कोई सहारा नहीं सी टहिंदे देश दा कोई सहारा नहीं सी ताइयो पिता दा सल सहारिया मैं। गुजरी मात गुजरी तामी छंब अंदर जिमे गुजरिया वक्त गुजारिया मैं। पुत्र चार बख्शे सन परमात्मा ने ओ भी जोड़ा जोड़ा करके वारिया मैं। मैनू मत शहनशाह कहो सिंगो किश्ता नाल ते कर्जा उतारिया मैं। बेमिसाल कुर्बानी दी कोई आपा शेर सुनिए बेमिसाल कुर्बानी दी कोई आपा जे मिसाल भी दईए ते उपरीए हथ तेग नहीं पिता दी पसलीए हथ ढाल नहीं पुत्र दी खोपरी। हथ तेग नहीं पिता दी पसलीए हथ ढाल नहीं पुत्र दी खोपरीए। सुतै छंभ दी भोंते आण जिसने लखां नैणां दे छंभ सुकाते आ। टुकड़े नहीं जदीवां दे होण दित्ते टुकड़े जिगर दे टुकड़े कराते आ। किसे कहा दशमेश नूं लाल तेरे गंगू दुश्मना कोल पकड़ाते आ। अगों कहा दशमेश ब्राह्मणां लई जदों खुल सहायता दा हट जावे ओ मेरे पुत्र फड़ाई दा जोल अपना ओ भी गैर ब्राह्मण क्यों खट जावे। शेर है सरसा नदी ते बीत्या ओ पाणा साहिब गुरु गोबिंद सिंह महान बलिदान सरसा नदी ते बीत्या ओ पाणा सिंह सिंघां तो बेशुमार बिछड़े
दसम पिता तो बिछड़ गई मात गुजरी गुजरी मां तो दसम दा तार बिछड़े बड़े जोरावर ते लाडले फतेह सिंह तो वड्डे वीर अजीत जुझार बिछड़े जोरावर ते लाडले फतेह सिंह तो वड्डे वीर अजीत जुझार बिछड़े मना मोही ग्रंथ ते लख मोरा करके नदी दे भेटा दा तार बिछड़े है पर आख्या गुरु गोबिंद सिंह ने मेरा सारे दा सारा परिवार बिछड़े ओ रक्षा गौ गरीब दी करन वाली मेरे हथों ना मेरी तलवार बिछड़े। आखिरी पद कहना ओदे तीर सुनहरी सन इसलिए के दुश्मन लोभ थी ओ मरीज सके जा फिर झलक तो डरदा मैदान अंदर कोई शत्रु ना खोल दी सके नहीं सोने दे तीर सन इसलिए के पूरी हर एक दी ओ उम्मीद सके जेड़ा डिगे दुश्मेश ना तीर खाके बारस उसली कफन खरीद सके दागी पैर हो गए ऐ पर दाग सफरी दागी पैर हो गए ऐ पर दाग सफरी पैण दे तेरी पंथ दे झंडिया दे माछी वाड़े दी सुन मसान अंदर अखां मीट के सो गया कंडिया।